किसको पता था, एक लड़का जो हकलाता था, जिसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, ही वुड गो ऑन टू बिकम द बेस्ट लॉयर द कंट्री हैज एवर सीन। कितने लॉयर्स को आप जानते हो जिनकी फोटो पोस्टल स्टैम्प्स में आती हो? आज हम बात करने वाले हैं अबाउट नानी पालकी वाला। मैंने ना अबाउट दैट लॉयर प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने टॉप लॉयर्स के माइंडसेट, एडुकेशन, वर्क एथिक के बारे में बात करी है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो मिस्टर पालकी वाला इज मेंटर्ड मिस्टर हरीश सालवे एंड फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर सोली सुराब जी। अब ये दोनों के दोनों भी लेजेंडरी फिगर इन द लीगल प्रोफेशन। सो मिस्टर पालकी वाला हैड नो गॉड फादर इन द लीगल इंडस्ट्री, उनका कोई गॉड फादर नहीं था, ही वॉज ऑल्सो अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, दे कीप कंप्लेनिंग दैट दे आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, बट ही डिड नॉट कंप्लेन, ही केप्ट वर्किंग, वो काम करते रहे, तभी जो उन्होंने मुकाम पाया वो पाया, तभी वो टॉप पर पहुंचे प्रोफेशन में। अगर कंप्लेन करते तो शायद वो भी ना पहुंचते। अब हम जानने वाले हैं कि नानी पालकी वाला कैसे लीगल प्रोफेशन में आए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। सो ही वॉज एन एक्सीडेंटल लॉयर, और यू कैन से ही वॉज डेस्टिन टू बिकम अ लॉयर। उनके जो पिताजी थे ना, वो हमेशा उनसे कहते थे कि आप लॉ के लिए बने हो, आपको लॉयर ही बनना चाहिए। क्योंकि ना बचपन में पालकी वाला जो थे वो हमेशा स्कूल डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, और बिकॉज ऑफ हिज क्लियर थिंकिंग एंड डिबेटिंग स्किल्स उनके फादर को लगता था कि उन्हें लॉयर बनना चाहिए। बट पालकी वाला तो कुछ और ही बनना चाहते थे, वो प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेक्चरर बनना चाहते थे इंग्लिश के। इसीलिए उन्होंने बीए और एमए करी इन इंग्लिश लिटरेचर, बाद में जाके लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, सिलेक्ट नहीं हुए, फिर उन्होंने प्लान बदला, ही वॉन्टेड टू गिव सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो महामारी आई, एपिडेमिक आया, उसकी वजह से वो भी वो अप्लाई नहीं कर पाए सिविल सर्विसेज के लिए। उसके बाद फाइनली उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई GLC जो है उसको ज्वाइन किया। ही स्टूड फर्स्ट प्लेस सिक्योर करी उन्होंने इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन ऑफ LLB। अब हम बात करने वाले हैं पालकी वाला जर्नी इन द लीगल प्रोफेशन। जैसे ही उन्होंने लॉ कंप्लीट करी, ज्वाइन द चेंबर्स ऑफ मिस्टर जमशेद जी कांगा वॉज कंसिडर टू बी द बेस्ट लॉयर एट द बॉम्बे बार। काफ़ी साल एडवोकेट जनरल भी रहे बॉम्बे के, और बॉम्बे हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं। उनकी टीम ऑफ काउंसिल्स में HM सरवाई थे जो उनके साथ काम करते थे, RJ कूला थे जो उनके साथ काम करते थे। बोथ ऑफ दीज पीपल हैव वेंट ऑन टू बिकम स्टॉलवर्ट्स इन द लीगल प्रोफेशन, आगे जाके लेजेंडरी फिगर बने हमारे प्रोफेशन में। वकालत के साथ साथ उन्होंने पार्ट टाइम एज अ लेक्चरर भी ज्वाइन कर लिया इन द GLC सेम कॉलेज जहां से उन्होंने लॉ करी, उसी में वो लेक्चरर भी लग गए पार्ट टाइम, ठीक है, वकालत के साथ साथ पढ़ाने भी लगे। पता है उन्होंने किसके साथ ज्वाइन किया था? ही ज्वाइंड विद YV चंद्रचूड। YV चंद्रचूड जो है ना, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और आज तक रिकॉर्ड है ये, आज तक इतना लंबा टेन्योर किसी का भी नहीं है एज अ CGI। सबसे लंबा टेन्योर अगर किसी ने काटा है एज अ CGI वो है YV चंद्रचूड। YV चंद्रचूड फादर हैं DY चंद्रचूड के, जो कि प्रेजेंटली सर्व कर रहे हैं एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब एक चीज देख रहे हो कि यहां पे क्या आपको कॉमनैलिटी मिल रही है उनके करियर में, कि वर्क अराउंड द बेस्ट पीपल, सबसे बढ़िया लोगों के साथ काम करो। अगर उनके साथ आप काम करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब आप हाईली स्किल्ड होते हो ना, तो अपॉर्चुनिटीज कम टू यू, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं। ही वॉज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एट GLC, अपने ही जहां से उन्होंने लॉ करी वहां पर उन्हें प्रिंसिपल की पोस्ट का ऑफर मिला, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ही वॉज ऑल्सो ऑफर्ड टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही रिफ्यूज्ड। देन ही वॉज ऑल्सो ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल, ही ऑल्सो रिफ्यूज्ड दैट, उन्हें वो भी रिफ्यूज कर दी। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ही वॉज ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी थे,
उनकी बजट स्पीचेस इतनी पॉपुलर थी कि एक टाइम पे स्टेडियम बुक करना पड़ा उनकी स्पीचेस के लिए कि लोग उनको सुन पाए, इतनी भीड़ आ जाती थी। अब हम बात करने वाले हैं लैंडमार्क केसेस जिसमें पालकीवाला अपीयर हुआ एज अ लॉयर। सबसे पहला केस केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट। ये इंडिया का सबसे बड़ा केस है। इस केस में 13 जजेस इकट्ठे बैठे एक केस को डिसाइड करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ 68 डेज। अब इस केस की डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं, बट आपको वर्डिक्ट बता देता हूं इसमें क्या आया, जजमेंट क्या आया। तो इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो संविधान में संशोधन तो कर सकता है बट इट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया। संविधान में आप संशोधन तो कर सकते हो पर उसके जो मूल ढांचा है उसको नहीं छेड़ सकते। जैसे अगर अगले इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी की सारी सीट्स आ जाती तो भी वो डेमोक्रेसी को नहीं हटा सकते। इट इज बिकॉज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विच वॉज प्रोनाउंस इन दिस जजमेंट। इसीलिए पालकीवाला को सेवियर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। दूसरा केस मिनेरवा मिल्स केस, ये भी लैंडमार्क केस है। इस केस में वर्डिक्ट ये आया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है और जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया। ठीक है, तीसरा केस बैंक नेशनलाइजेशन केस। पांचवा केस प्रिवी पर्सेस केस। अब ये सारे केसेस आपको कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाया जाता है किसी भी लॉ स्कूल में तो आपको ये सब पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उन्होंने और भी बहुत सारे केसेस फॉट किए हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में। यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही केस बताए हैं जो उन्हें फाइट किए हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे केसेस फाइट किए अपने लीगल करियर में। मेजर जनरल नीरेंद्र कुमार जो हैं उन्होंने एक बुक लिखी है नानी पालकीवाला अ रोल मॉडल। उस बुक के अंदर उन्होंने 140 प्रोमिनेंट केसेस लिखे हैं विच आर फॉट बाय मिस्टर नानी पालकीवाला। तो वो बुक भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब हम बात करने वाले नानी पालकीवाला के कॉर्पोरेट करियर के बारे में। सो ही वॉज वेरी क्लोज टू जेआरडी टाटा और वो डिप्टी चेयरमैन थे टाटा स्टील और टाटा मोटर्स में। एसीसी सीमेंट्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ही वॉज ऑल्सो इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट टाटा सन्स और आरबीआई में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते थे वो। उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है, उन पर भी काफ़ी किताबें लिखी गई हैं। ही हैज ऑथर्ड 9 बुक्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9 किताबें लिखी हैं उन्होंने। उनमें से एक किताब है हाइएस्ट टैक्स्ड नेशन। इस बुक की 10,000 कॉपी बिकी थी विद इन 3 वीक्स, 3 हफ्तों में 10,000 कॉपी बिकी। और उसका इम्पैक्ट इतना था कि गवर्नमेंट को इनकम टैक्स जो है वो कम करने पड़े इंडिया में। अब हम बात करने वाले कुछ अवार्ड्स जिनसे उनको नवाजा गया। सो ही इज द रिसिपियंट ऑफ पद्म विभूषण, पद्म भूषण मिला उन्हें। उन्हें लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ भी मिला बाय इंटरनेशनल बार एसोसिएशन। ही वॉज ऑल्सो इंडिया एम्बेसडर टू US इन 1977। अब हम जानने वाले हैं नानी पालकीवाला की कुछ हैबिट्स और क्वालिटीज जिनकी वजह से वो अपने करियर में इतनी आगे। सबसे पहली क्वालिटी दैट ही यूज टू आउटवर्क एवरीबडी। बहुत सारे इंस्टेंसेज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं जहां पे ये समझ आता है कि ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। बट एक इंस्टेंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो उनके सेक्रेटरी बताते हैं। तो एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी इन जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट, उनका रिस्पॉन्स उनको बनाना था। तो वो स्टार्ट करते हैं मैटर पे काम करना है 10:30 PM रात को 10:30 बजे, 4:30 बजे तक सुबह खत्म कर लेते हैं और फ्लाइट लेते हैं और श्रीनगर पहुंच जाते हैं और मैटर फाइल करके आते हैं बिफोर 4 PM जो कि डेडलाइन होती है फाइलिंग की। सो दिस शोज दैट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बिना रेस्ट लिए इतने लंबे समय तक काम करना, इससे पता लगता है कि वो काफ़ी हार्ड वर्किंग थे। दूसरी क्वालिटी दैट ही वॉज वेरी करेजियस। सो ही हैज रिप्रेजेंटेड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेज इंदिरा गांधी। उन पर एक्विजिशन लगे हुए थे ऑफ इलेक्शन फ्रॉड इन 1971।
अब हुआ क्या, जो हाई कोर्ट था ना, उन्होंने उनके अगेंस्ट जजमेंट पास कर दी। अब नानी पालकी वाला ने उस जजमेंट के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया और अपील फाइल करने की तैयारी कर दी एट द सुप्रीम कोर्ट। पर जैसे ही इमरजेंसी इम्पोज करी इंदिरा गांधी ने, तभी उन्होंने रिजाइन कर दिया एज अ लॉयर। उन्होंने कहा मैं अब आपका केस नहीं लड़ सकता बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इमरजेंसी। थर्ड जो उनकी क्वालिटी है या हैबिट है, दैट ही डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम। वो कभी भी अपना कैंटीन में टाइम बर्बाद नहीं करते थे, अननेसेसरी किसी से बात नहीं करते थे। चौथी चीज जो उनके बारे में है कि ही वॉज नॉट अ मल्टी टास्कर, ही फोकस ऑन वन थिंग एट वन टाइम, एक चीज पर ही फोकस करते थे हमेशा। पांचवी चीज, दैट ही नेवर क्रिटिसाइज एनी अदर लॉयर बिहाइंड देयर बैक। सो कभी भी किसी लॉयर के बारे में गलत नहीं बोलते थे उनके पीठ पीछे। सिक्स्थ जो उनकी हैबिट थी, दैट ही वॉज अ वोरिशियस रीडर, काफी पढ़ते थे, उन्हें पढ़ने का काफी शौक था। उनका फेवरेट पास टाइम वॉज रीडिंग इन हिज चाइल्डहुड। इन्हीं हैबिट्स और क्वालिटी की वजह से उन्होंने प्रोफेशन में बहुत रैपिडली राइज किया। ऐसा कहा जाता है कि 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने 50,000 की इनकम कर ली एनुअली, 50,000 कमाने लगे सालाना। 1940s में 50,000 सालाना कमाने का मतलब है आज की डेट में 50,00,000 रुपए साल के, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत अच्छी स्पीड से वो राइज करने लगे प्रोफेशन में। अब ये वीडियो मैं एंड करूँगा, ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। और एंड में क्या एडवाइस नानी पालकी वाला ने हरीश सालवे को दी थी, वो वीडियो के साथ एंड करेंगे। थैंक यू एंड सी यू अगेन। I will share with you an advice which has stood me in good stead, helped me achieve a little in life. And this is an advice I received from my late guru, Mr. Palkhivala, who perhaps was one of the finest human beings, not just the finest lawyer I have ever seen. He told me, Harish, always be your own worst critic. If you finish an argument in court, come and ask yourself, is there anybody else in the world who could have done a better job? And if you feel the answer to that question is yes, then you have not been good enough. Don't be intimidated by what others think of you. Don't be intimidated by the academic results of those who do better than you. Ask yourself at the end of every trial, could anybody have done better than this? And if the answer is yes, you have a gap to cover. And if the answer is no, smile. That is how life should be. I have tried to live Mr. Palkhivala's dream. It has been a big help in being somewhat successful in life. I wish all of you the very best, and I share your excitement. You are off onto a journey which you will only know its worth after the journey is over. But then always remember that is just the beginning of the journey of life. All the best.